तो हेलो एवरीवन, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज है महावीर झंडा, तो सबको हैप्पी महावीर झंडा। और हम तैयार हो रहे हैं महादेव मेले में जाने के लिए। तो पहले अपने शक्ल का उल्लेख चेंज करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। फिर थोड़ी देर बाद मैंने अपनी शक्ल का उल्लेख चेंज किया। वैसे ये ब्लॉग मैं एक दिन बाद अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि उसी दिन बनाना और उसी दिन अपलोड करना पॉसिबल नहीं होता है। सो इसीलिए फिर क्या हुआ, हम अपने चरण पादुका से चलते गए और आखिरकार हम अपने आधे मंजिल पे पहुंच गए। यहाँ काफ़ी भीड़ था और भीड़ों को पार करते हुए हमने दो चार रील तो बना ही लिया बेशर्मों की तरह। वैसे शर्म किस बात की है, हमने रील बनाई और इधर आए तो देखो सब इतने झूम रहे इसमें ना। मेरे को इस बात का डर लगता है ना, सारे तलवार ले लेके झूमते हैं, अगर किसी की दुश्मनी होता है तो इसी में निकाल लेते हैं। और इधर अखाड़ा खेल रहे थे, कसम से अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो ना तो या तो पेड़ टूटेंगे या हाथ। हमने उसको एंजॉय किया, उसके मम्मा ने हमारे आइसक्रीम खरीदा, आइसक्रीम खाते खाते हमने पूरा जुलूस एंजॉय किया। एंजॉय करते करते हम अंदर गए तो इधर ऑर्केस्ट्रा था। ऑर्केस्ट्रा देखते देखते हमने देखा, ये लखो ये नमूने ऑर्केस्ट्रा को भी फेल करे, इस चड्डे वाले को सारा मजा आ गया कसम से बताऊँ ना। तो सामने से और ज़्यादा मजा आ रहा था इसको देखने में, डेढ़ पछलिया और उसको अपना इतना डीजे लेके घूम रहा है, लेकिन एक बैनर लगाने की उसकी औकात नहीं है। टी शर्ट से अपना परिचय करवा रहा है। खैर छोड़ो, सबको एंजॉय करते करते बज गए थे आठ में कुछ, मतलब आठ बज चुका था रात को, कुछ ऐसा लग रहा था। और फिर हमने देखा हाथी राजा को, जो कि उससे मतलब इस मेले में क्या है ना, हाथी घोड़े बहुत बड़े बड़े जो जानवर होते हैं ना, उसके द्वारा जो जुलूस निकाला जाता है। और हमारा जो ईसापुर है इसी महावीर झंडा की वजह से फेमस है। यहाँ कुछ लेडीज़ सेफ्टी के रूप में थी, तो हमने थोड़े से चप्पल लिए। इसी को ब्लॉक का यहीं विश्राम करते हैं। लव यू, टेक केयर।